लेकिन गुंडे हो, बदमाश हो, दबंग हो, दादा हो, उनके लिए वज्र से ज्यादा कठोर हूं, छोड़ूंगा नहीं उनको। बोलिए छोड़ना चाहिए क्या? पीछे तक बताओ छोड़ना चाहिए क्या? जब हम गुंडों से जमीन छुड़ाते हैं तो वो रामधुन करने की बात करते हैं। सुन रहे कमलनाथ और सुन रहे दिग्विजय सिंह, सुन रहे कांग्रेस के नेता, गुंडों को मामा किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। और इसलिए कोई इसरार खा, कोई पता नहीं कौन से खा, इन्हें जमीन दबा रखी, यही 40 एकड़ जमीन दबाई थी, जो तुम्हारी जमीन थी क्या? घर का माल समझा था जो हड़प जाओगे। मैं जिला प्रशासन को, कलेक्टर कमिश्नर, पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूं, वो जमीन गुंडों से हमने छुड़ाई 40 एकड़ नीलवर के पास से ही। और आज हमने फैसला किया गुंडों से छुड़ाएंगे और वहीं गरीबों के मकान बनाएंगे। पीछे तक मैं पूछना चाहता हूं, यहां भी बताना, बताओ मामा को गरीबों के मकान गुंडों की जमीन पर बनाना चाहिए कि नहीं? और आज मैं फिर कह रहा हूं, जो 21,000 एकड़, अब तो 23,000 एकड़ हो गई है, छुड़ाता जा रहा हूं, पता नहीं चाकू छुरी कट्टे बम डराते थे। मैंने कह रखा है पुलिस से, पुलिस का मिस्टर हो, SP हो, IG हो, तोड़ दो ऐसे लोगों को, छोड़ना नहीं है इन किसी को, जनता का हक छीनते हैं। पर आज पहली जमीन हमने आवंटित की है, जो छुड़ाई है हमने गुंडों से दबंगों से, उस पर मकान बनाने के लिए। अब जगह जगह हर शहर में दबंगों ने जो जमीन दबाई थी उस पर मकान बनाए जाएंगे। अरे कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।